मैंने यार घटिया आदमी की वीडियो देखी भाई। सुन, तू जहां पे भी है, जो भी तू है, जो भी तेरा नाम है, तुम जैसे घटिया आदमी ना जो तू चैलेंज ठोकरो है मैं खड़े होकर। सुन, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, खुल के कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर। जहां तुझे न्यू लगती हो ना कि यहां तू ताकतवर है, ठीक है, जहां तुझे यूं लगे ना कि यहां तू ताकतवर है या तुम ताकतवर हो, वाह जगह को टेम तू धर के, ठीक है, और तू वाह जगह को नाम लिख के और हमारी कमेंट में डाल दीजिए। छोटी सी कोशिश यू करती हो, हम बता देंगे किसकी माँ में कितना दूध पिवाया हो, ठीक है। तू 10-20 कुत्ता ने खड़ो करके, ठीक है, एक जात बरादरी है गाली दे रहे हो। पहली बात आदमी ना, तुम जैसे घटिया आदमी केवल और केवल तोते हैं, तेरा नाम महक मूक जो भी है, ध्यान रखियो, ठीक है। बिना तेने जाने तेने इतनी घटिया बात कर दी, इतनी गंदी विचारधारा तेरे अंदर की। सुन, अगर तू एक बाप की पैदाइश है ना, अगर एक बाप की पैदाइश, अगर तेरी माँ की कोख पे तू गर्व करता होगा ना अपनी की पे, तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं। ओपन चैलेंज जहां तेरा मन करता हो, जो सी जगह तो अच्छी लगती हो पूरे इंडिया के अंदर, क्षत्रिय ने मतलब लगा रहे हैं और लड़का रहे ना, तो फिर सामना करके देख। तू तू कल माफी मांग रहा, तेरी एक वीडियो मैंने देखी, तू माफी मांग रहा मतलब भोसड़ी, तू गाली देगा ऊपर तक, फिर तू माफी मांगेगा, तू खुदा है क्या? ऐसे ही माफ कर देंगे क्या हम? तेरे तो पर्सनल कह रहा हूं, तेरे तो पर्सनल महक मूक, तेरा जो भी नाम है, बैठ तो हिम्मत है ना, तो भोसड़ी के ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करियो, हमने एक्सेप्ट करो, और तू सामने आकर बात कर, तुझे यूं ही छोड़ देंगे का है? तू किसी की भी बिरादरी गाली दे देगा, क्या समझ रहा हो तू क्षत्रिय ने है? तू 10-20 कुत्ता न खड़े करके हमारी जात बरादरी गाली दे रहा है, कौन किसकी औलाद है सब पता हो, आई समझ में? हम किसी की बरादरी को गाली नहीं देते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, किसी की बरादरी को गाली नहीं देते, किसी की बहन बेटी को गलत ना बोले, लेकिन तुम जैसे घटिया आदमी ना उनकी जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। कभी टाइम पड़े तो आज पलवल से बोलो गांव मेरा पातली खोड़ दे, और नाम ऊपर आईडी को तो पता ही चल जाएगी और तू देख भी लेगा, ठीक है। अपने सम्मानित पुलिस प्रशासन से निवेदन है, ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिम्मत है तो सामना करना, वीडियो तो तुम बना के डाल लो, बहन तो खड़े करके 10-20 कुत्ता ने ठाकुर ने गाली दे रहो, बहन तो पता ना आगे तुझे है, तो सामना करना तू आगे, क्यों वीडियो बना के डालो, तू सामना कर दो। तू पंच चैलेंज है, ओपन चैलेंज, जहां तेरा मन कर सो बहुत आपके समाज को काटेगा, आपके समाज के खिलाफ बोलेगा, आपके क्षेत्र के खिलाफ बोलेगा। ये जो गलती हम बरसों से करते आ रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी कुछ कह जाता है, हम उसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तक नहीं बोलेंगे ना ये बढ़ेगा। आज इन लोगों के अंदर कल परसों से भाई साहब ने इस चीज का जिक्र, जो घटिया लोग जो खड़े होकर के 10-20 कुत्तों को खड़े करके जो चिल्ला चिल्ला करके हमारी कौम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये साले साथ भूल गए हैं कि इस देश के लिए 564 रियासतें, 43 गढ़, 18,700 किले और 40 लाख एकड़ जमीन हमारे बाप दादा ने देश को दान दी है। ये तो भूल चुके हैं चीज को, ना हमारा रक्त कमजोर था, ये लोग कहते हैं कि हम, अरे इस धर्म और राष्ट्र हमसे ज्यादा किसने प्यार किया होगा? अरे हमारी पता नहीं ना जाने कितनी गोत्र को इस देश को धर्म को बचाने के लिए मिट गई भाई।